नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और फिर से एक बार एक रेस्क्यू कॉल पे पहुंचे हैं और देखते हैं कौन सा सांप है। अभी रात का समय है, ये देखिए थोड़ा नजदीक से दिखाइए, रेड स्नेक जिसको बोलते हैं। हमने दो लाठी का सांप देखा है, वही सांप है। अभी थोड़ा गुस्से में है, जल्दी पैक कर लेंगे क्योंकि ये काट सकता है। गरीला नहीं, वैसे नॉन पॉइजनस है लेकिन काटने से खतरा तो बना ही करते हैं। और ये शांत करना भी अभी इसको मुश्किल है। बाकी खड़ी सांप है, अदर सांप दिखाऊंगा। देखिए देखो यार, अदर थोड़ी सी आ अच्छी लगे, रेड स्नेक ये पकड़ लिया। दान सांप और हरियाणा में गोड़ साठ सांप बोलते हैं। इसकी फुर्ती ही इतनी ज्यादा होती है, मैं जब ये पकड़ रहा था देखिए कितनी तेजी से भागा और घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की, लेकिन सक्सेसफुली इसने रेस्क्यू कर लिया है। और परिवार का मामला था, बच्चों का मामला था, तो रेस्क्यू करना जरूरी था। और इसको अभी तो रात का समय है, सुबह सक्सेसफुल जंगल में इसको रिलीज कराएंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज करने के टाइम मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये नॉन पॉइजन स्नेक है। अगर ऐसा सांप आपको कट जाता है तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। और फिर भी सब लोग, सभी को पता नहीं होता है और घबराने से कई बार व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाता है। कोशिश कीजिए कि जिसको सांप काटे उसको घबराने ना दे और तुरंत हमारे जैसे स्नेक रेस्क्यूअर को आप कॉल करके पूछिए कि ऐसे ऐसा सांप था, हम बताएंगे कि वो पॉइजनस था कि नॉन पॉइजनस था और आपको किसके पास जाना है, कैसे हॉस्पिटल में जाना है। ठीक हो दोस्तों, फिर रिलीज करने का टाइम मिलता है। सांप के लिए बिल्कुल अनुकूलित जगह है, इसलिए इसको यहीं छोड़ें। देखिए ऐसा सांप है जो दिन में करीब करीब 10 से 20 चूहे खाने की क्षमता रखता है और ये बहुत किसान मित्र सांप है, इसलिए इस सांप को बिल्कुल ना मारें। घोड़ पिछाड़ सांप जिसको धामन सांप भी बोलते हैं, और ऐसे सांप की, ऐसे जीव की सुरक्षा करना हमारा भी दायित्व बनता है। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं ऐसी ही जानकारी और ऐसे ही वीडियो दिखाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।